गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग इडियम्स पर बात करेंगे। इडियम्स का जो टॉपिक होगा वो कलर होगा। पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इडियम्स पर बात किया था जिसमें टॉपिक एनिमल्स थे। इडियम्स क्या होता है इस बात को पिछले वीडियोस में चर्चा किया गया था। इडियम्स कुछ खास शब्दों का एक समूह होता है जिसके अपने एक निश्चित अर्थ होते हैं, ठीक है ना। इस इडियम्स में जो वर्ड्स होते हैं हम उनको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आज का हम लोग ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और टॉपिक कलर से। सबसे पहले हम ब्लैक लेकर चलते हैं। कलर में जो हम लोग कलर जो स्टार्ट करेंगे जिस कलर से वो ब्लैक होगा। तो आज का हमारा जो फर्स्ट इडियम होगा वो होगा ब्लैक एंड ब्लू। देखिए अगर कोई चीज ब्लैक एंड ब्लू है तो इसका मतलब उसका खरोच या रगड़ से है, शरीर पर जो खरोच या रगड़ होते हैं तो वो ब्लैक एंड ब्लू कहा जाता है। देखते हैं अगर कोई कहीं से रगड़ खाता है या कहीं से खरोच आता है तो हल्का सा वो पहले ब्लूइश टाइप का होता है और अंतिम में जाकर के वो ब्लैक हो जाता है ना। मतलब तो वो मतलब आप समझिए कि अगर कोई चीज यदि ब्लैक एंड ब्लू है तो इसका मतलब है कि शरीर पर रगड़ है, शरीर पर खरोच है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, having bruises on the body। और इसका जो हिंदी निकल कर आएगा वो होगा रगड़ या खरोच शरीर पर, ठीक ना, रगड़ या खरोच शरीर पर। तो कहने का मतलब है कि ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं जब आप कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और शरीर पर जो रगड़ या खरोच होते हैं, या किसी को पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसका शरीर बदरंग हो जाता है, शरीर पर जगह जगह खरोच आ जाते हैं, तो उस सेंस में ना इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासतौर पर पीटने के सेंस में। जैसे कि इस वाक्य को आप देखें, कोई व्यक्ति है इस वाक्य को देखा जाए किस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, he was beaten black and blue। इसका तात्पर्य यह होगा कि उसको इतना पीटा गया कि उसके शरीर पर ना खरोच के निशान आ गए, रगड़ के निशान आ गए, मतलब उसको बुरी तरह से पीटा गया। तो ब्लैक एंड ब्लू एक इडियम है जिसका अर्थ होता है शरीर पर खरोच। यदि हमें कहना कि खरोच के निशान, अगर हमें कहना कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर खरोच के निशान है, हाथ पर खरोच के निशान है, इस खरोच के निशान के लिए हम क्या वर्ड दे सकते हैं अगर इडियम के माध्यम से देते हैं तो ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स, ठीक है ना। ये मार्क्स मतलब दाग या निशान है। तो ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स कैसे मार्क्स होंगे, ये खरोच के निशान होंगे। तो बच्चों ये ब्लैक एंड ब्लू का ये पहला अर्थ, ये पहला इडियम है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है शरीर पर खरोच या रगड़ के निशान, शरीर जो होता है बदरंग हो जाता है। हम नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं ब्लैक से। तो हमारा नेक्स्ट इडियम क्या कहता है, इन इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए अगर आप किसी चीज को इन ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसको लिखित रूप में करते हैं। कैसे होता है कि व्हाइट पेपर होता है और हम लोग उसको कलम से लिखते हैं, तो वो कलम का जो कलर लिया ना, इंक का जो कलर लिया वो ब्लैक लिया है। तो कोई चीज यदि आप इन ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं इसका तात्पर्य ये होता है कि आप उसको लिखित रूप में करते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है और ये इडियम कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, खासतौर पर ये सीजीएल के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, मतलब अगर इसका सिंपल अगर हिंदी लिखा जाए लिखित रूप में, यदि कोई चीज यदि इन ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो लिखित रूप में है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे रेजिग्नेशन आपका चाहिए, आपका मुझे इस्तीफा चाहिए, लेकिन आप लिखित रूप में इस्तीफा दे अपना, ठीक है, तो वो कैसे वो डिमांड करेगा, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। ये इन ब्लैक एंड व्हाइट से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये क्या कहना चाहता है सेंटेंस, आई डिमांड योर रेजिग्नेशन,
मैं तुम्हारा इस्तीफा मांगता हूं, ठीक है ना, लेकिन ओरली नहीं, आपको इस्तीफा देना है, लिखित रूप में इस्तीफा देना है। तो कोई चीज यदि आप लिखित रूप में करते हैं तो आप इन ब्लैक मतलब इंक हो गया ब्लैक और व्हाइट आपका पेज हो गया। तो इसको याद रखना बहुत सरल है, यदि कोई चीज यदि इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो वो लिखित रूप में होता है। हम अपने नेक्स्ट इडियम को लेकर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है ए ब्लैक लुक। चलिए देखिए, अगर आप किसी को ब्लैक लुक देते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको क्रोध भरी नजर से देखते हैं, आप उसको घृणा के नजर से देखते हैं। ब्लैक अपने आप में एक निगेटिव फीलिंग का एक ये वर्ड है, ठीक है ना। अगर आपको निगेटिव फीलिंग कहना है तो इसके लिए ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत आसान है, यदि ब्लैक लुक है तो जाहिर सी बात होगा कि उसका जो लुक देखने का जो तरीका होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो सकारात्मक नहीं होगा। यदि कोई किसी को ब्लैक लुक देता है, इसका मतलब होता है कि उसको क्रोध की नजर से देखता है, उसको घृणा की नजर से देखता है। इसको सिंपल वे में कैसे लिखा जाए, चलिए, ए लुक ऑफ एंगर या डिसलाइक। इसको अगर इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो चलिए, अगर आप किसी व्यक्ति को अगर ये ब्लैक लुक देते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि आप उसको क्रोध भरी नजर से देखते हैं, आप उसको घृणा के दृष्टि से देखते हैं। इसे एक सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है। चलिए, इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए, इसका हिंदी क्या निकल कर आता है, ड्यू टू हिज लो कास्ट स्टेटस, यानी कि किसी व्यक्ति का जो कास्ट है वो निम्न कास्ट है और इस कारण से लोग उसको क्या देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, पीपल गिव हिम ए ब्लैक लुक, लोग उसको ना नफरत की दृष्टि से देखते हैं, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वजह क्या है उसका, लो कास्ट स्टेटस का होना। तो बच्चों ये एक ब्लैक लुक का मतलब हुआ, ठीक है। हम बात को हम आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट इडियम। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब भी है। क्या कहता है देखिएगा, टू ब्लैक्स डोंट मेक ए व्हाइट। ब्लैक का मतलब अभी मैंने बताया था कि जो ब्लैक जो होता है ना, वो एक निगेटिव फीलिंग को इंडिकेट करता है। तो क्या कहना चाहता है ये प्रोवर्ब, क्या कहना चाहता है कि दो जो गलतियां होती हैं वो एक सही नहीं कर सकते, वो एक सही का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, तो वो तो गलत मेरे साथ किया ही, यदि मैं भी उसके साथ गलत करूं तो ये बात सही नहीं होगा। यानी कि दो गलत मिलकर के एक सही चीज का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोवर्ब है, इसको इडियम भी कह सकते हैं आप, टू ब्लैक्स डोंट मेक ए व्हाइट। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, चलिए, दो गलतियां एक सही चीज नहीं बनाते हैं। यदि कोई आपके साथ गलत करे, यदि आप उसके साथ भी गलत करते हैं तो यह बात बनेगा नहीं, बात और बिगड़ेगा ही, ठीक है ना। तो टू ब्लैक्स डोंट मेक ए व्हाइट। हम बात को हम आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट कलर ब्लू से लेके चलते हैं। अब हम ब्लू के बारे में बात करेंगे, ये ब्लैक से संबंधित इडियम्स इतना रहा। चलिए, देखिए, यदि कोई व्यक्ति यदि ब्लू आइड है तो ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड पर्सन का मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति, वो पर्सन एक फेवरेट पर्सन है, किसी का पसंदीदा वो व्यक्ति है,
तो अगर हमें कहना है कि ए ब्लू आइड बॉय, इसका सरल भाषा में यदि हम कहें तो पसंद वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको वो चाहता है, पसंद करता है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेवरेट। यदि इंग्लिश में कहें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेवरेट, और हम कहें कि पसंदीदा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति किसी के लिए एक फेवरेट हो सकता है। जैसे कि देखा जाए, आप लोगों ने सुना होगा टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल। राफेल नडाल ने काफी ट्रॉफी जीते हैं, काफी ओपन उन्होंने टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन उनका जो सबसे पसंदीदा जो जगह है वो क्या है, फ्रेंच ओपन, वो क्ले कोर्ट का होता है, ठीक है ना। विंबलडन और जो दूसरे जो फ्रेंच ओपन सॉरी जो टेनिस के ओपन टूर्नामेंट होते हैं वो ग्रास कोर्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फ्रेंच ओपन होता है ना वो क्ले कोर्ट पर होता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, वो क्ले कोर्ट का एक फेवरेट व्यक्ति है, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम ऐसे लिखेंगे, राफेल नडाल ए ब्लू आईड बॉय ऑफ क्ले कोर्ट, ठीक है ना, हैज वोन फ्रेंच ओपन वंस अगेन। चलिए, ये लिखने का तरीका स्टैंडर्ड तरीका है। देखिए, किसी के बारे में ना परिचय दिया जाता है, राफेल नडाल सभी इसको जानते हैं, ये एक वर्ल्ड का नोन खिलाड़ी है, फिर भी परिचय दिया जाता है इसका मुख्य। राफेल नडाल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये एक क्ले कोर्ट का ना एक फेवरेट खिलाड़ी है। आप ऐसे समझिए, क्या लिखा गया, ए ब्लू आइड बॉय, मतलब वहां का वो एक पसंदीदा खिलाड़ी है। क्या किया है उसने, एक बार फिर से फ्रेंच ओपन जीता है। तो कोई व्यक्ति यदि किसी जगह का, किसी व्यक्ति का यदि वो ब्लू आइड बॉय होता है तो इसका मतलब है कि लोग उसको प्रीफर करते हैं उस जगह पर, ठीक है ना, वहां के लिए वो एक पसंदीदा व्यक्ति है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ए ब्लू आइड बॉय। अब हम ब्लू से दूसरे इडियम को लेके चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वह है आउट ऑफ ब्लू। हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वह है आउट ऑफ ब्लू। देखिए, यदि कोई चीज आउट ऑफ ब्लू होता है वो अप्रत्याशित हो जाता है, वो एकाएक हो जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम है। छोटे इडियम्स में ये जबरदस्त इडियम है। यदि कोई घटना, कोई चीज यदि आउट ऑफ ब्लू होता है, वो चीज एकाएक हो जाता है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अगर हमें छोटे सिनोनिम्स में लिखना होगा कैसे लिखेंगे, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना। कोई चीज का आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन वो चीज घटित हो गया तो आउट ऑफ ब्लू हुआ। अगर इसको सिंपल अगर हिंदी में लिखा जाए तो हम कह सकते हैं अप्रत्याशित एकाएक। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखें, इससे आपको आउट ऑफ ब्लू बेहतर समझ में आएगा। चलिए, his resignation came out of blue, इसका हिंदी क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने अपना प्रत्याशित रूप से एकाएक उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि लोगों ने उनसे उम्मीद नहीं किया था कि ये इस्तीफा देंगे, लेकिन इनकी इस्तीफा एकाएक हो गए, तो ये आउट ऑफ ब्लू का अर्थ हुआ। चलिए, हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए, हमारा अगला जो ब्लू से जो रिलेटेड इडियम है वो है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है, देखिए, यदि कोई महिला बहुत पढ़ी लिखी महिला है, ये महिला के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लू स्टॉकिंग जो इडियम है ये वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है कि एक बहुत पढ़ी लिखी महिला, बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की महिला, वो महिला जिसका साहित्य में ज्यादा रुचि है, उस महिला को कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग, ठीक है ना। हम इसको कैसे सिंपल भाषा में लिखेंगे, वुमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है ना। सरल भाषा में अगर इसका अगर हम व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं विदुषी महिला, ठीक है ना। विद्वान महिला को विदुषी महिला कहा जाता है।
यदि कोई महिला विद्वान महिला है तो वो विदुषी महिला कहा जाता है उसे। देखिए हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है और इस इतिहास में एक बात का वर्णन है कि ऋग्वेद या हम यूं कहें कि वेद कि कुछ जो ऋचाएं हैं उसे महिलाओं ने रचा है, ठीक है ना। और उस महिलाओं में एक महिला का नाम है गार्गी। गार्गी एक विदुषी महिला थी, ठीक है ना। और उन्होंने वेद के कई हाइम्स में उन्होंने अपना योगदान दिया है। हम इस बात को कैसे लिखेंगे कि गार्गी एक विदुषी महिला थी जिन्होंने वेद के कुछ ऋचाओं को रचा है, इस बात को हमें लिखना है। गार्गी एक विदुषी महिला थी, हम ऐसे लिखेंगे पहले। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, गार्गी वॉज अ ब्लू स्टॉकिंग। विदुषी महिला के लिए हम लोग क्या आइडियम लेके चल रहे हैं, ब्लू स्टॉकिंग, जिन्होंने कुछ हाइम्स ऋग्वेद के उन्होंने रचा है, ठीक है ना। हु हैड कंपोज्ड सम ऑफ द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा। चलिए अब यहां पर आपको ब्लू स्टॉकिंग बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, बहुत आसान है ये, इसको पढ़ना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप इसको सेंटेंस के थ्रू पढ़ें। देखिए सेंटेंस के थ्रू पढ़ने का इसका डबल फायदा है, पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि सेंटेंस में इसका यूज कैसे होता है, बाकी जगहों पर क्या होता है, आपको केवल अर्थ बता के छोड़ दिया जाता है। आप बहुत सारी किताबों में देखिएगा केवल आपको अर्थ मिलेगा लेकिन उस पर एक आइडियल सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे। सेंटेंस का होना बेहद जरूरी है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड समझना है, कोई एक्सप्रेशन समझना है, कोई फ्रेजल वर्ब समझना है, कोई इडियम समझना है, तो सेंटेंस का होना बेहद और बेहद जरूरी है। अगर आप केवल ऐसे पढ़ते हैं ब्लू स्टॉकिंग विदुषी महिला, ये ज्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको, थोड़े समय के लिए ये तो समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अगर लॉन्गर पीरियड के लिए समझना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस इस पर डील करना होगा। मैक्सिमम सेंटेंस आप देखिएगा, मैक्सिमम आप बेनिफिट प्राप्त कीजिएगा। तो किसी वर्ड को, किसी इडियम्स को समझने के लिए सेंटेंस का सहारा जरूर लिया जाना चाहिए। यदि आप केवल ऐसे रटते आउट ऑफ ब्लू, एकाएक ब्लू स्टॉकिंग, पढ़ी लिखी महिला, तो ये ज्यादा आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद नहीं करेगा। तो चलिए अभी सेंटेंस को देखा जाए, क्या कर रहे हैं। गार्गी वाज ए ब्लू स्टॉकिंग। गार्गी एक विदुषी महिला थी, ठीक है ना। हु हैड कंपोज्ड सम ऑफ द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा, जिन्होंने ऋग्वेदा की कुछ ऋचाएं, ठीक है ना, को उन्होंने रचना किया था, उन्होंने रचा था। तो ये ब्लू स्टॉकिंग का यूज रहा। तो बच्चों हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इडियम बहुत अच्छा इडियम है, इडियम क्या कहता है, वंस इन ए ब्लू मून। देखिए कोई चीज यदि ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून होता है तो बहुत ही वो दुर्लभ होता है, बहुत कभी कभार होता है, वो रेगुलर नहीं होता है, ठीक है ना। यदि कोई चीज वंस इन ए ब्लू मून होता है तो कभी कभार होने वाला वो चीज होता है, वो रेगुलर नहीं होता है। हम इसको कैसे सिंपल भाषा में लिखें, चलिए ये है वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या हुआ, वेरी रेयरली, ठीक है। इससे एक सेंटेंस देखा जा सकता है, चलिए सेंटेंस क्या कहना चाहता है, दे विजिट अस, ठीक है ना, दे विजिट अस, वे हमसे मिलने आते हैं हमेशा, अक्सर नहीं, वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार वो हमसे मिलने आते हैं, उनका आना हमारे यहाँ अत्यंत दुर्लभ होता है। तो बच्चों ये इडियम्स काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स है सीपीओ के लिए, सीजीएल के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, ये सारे परीक्षाओं में कुछ पूछे या ना पूछे इडियम्स जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन परीक्षाओं के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ये सारे इडियम्स से होकर जाना होगा। इसके अलावा यदि आपका अगर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा करना चाहते हैं तो बिना इडियम ये संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति के पास वर्ड्स तो है, फ्रेजल वर्ब भी है, लेकिन इडियम्स नहीं है तो वो चीज आधी अधूरे रह जाएंगे। आप न्यूज़पेपर का फ्रंट देखिए, न्यूज़पेपर का आप हेडलाइन देखिए, वो इडियम्स से स्टार्ट होते हैं, जगह जगह आपको इडियम्स लिखा हुआ मिलेगा।
और उनको आप, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप उनको अलग अलग करके नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्लू मतलब नीला हो गया, आउट मतलब बाहर हो गया, हम ऐसा करके अर्थ नहीं ले सकते हैं। इसका एक सामूहिक अर्थ होता है, ठीक है ना। आउट ऑफ ब्लू, एकाएक अप्रत्याशित, ये आपको कंबाइंड अर्थ सोचना होगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आउट का अर्थ अलग होगा और ब्लू का अर्थ अलग होगा, ठीक है। तो इडियम्स बहुत काम का चीज होता है। तो हम अपने बात को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इडियम होगा वो अगले, अब कलर ग्रीन से होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ग्रीन से आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बहुत फेमस इडियम है, ग्रीन विद इन वी। देखिए इन वी का मतलब ईर्ष्या होता है, और परंपरागत रूप से जो ग्रीन है ना वो ईर्ष्या का वो सूचक है। ट्रेडिशनली जो ग्रीन है ना वो एक जेलसी का सूचक है। तो यदि कोई व्यक्ति ग्रीन विद इन वी है तो हम ये नहीं समझेंगे कि जलन से हरा हो गया है। वो मतलब कैसे होता है, हम लोग हिंदी में कहते हैं जल भुना, जल भुना, वो हमारे सफलता से जल भुना। मेरा बहुत अच्छा मैंने ड्रेस पहना उसको देखकर कि वो जल भुना। तो जो जल भुना हिंदी में होता है ना उसका अंग्रेजी होता है ग्रीन विथ इन भी। यदि कोई व्यक्ति ग्रीन विथ इन भी है यानी कि वो काफी ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं वेरी जेलसी। ठीक है ना, कोई व्यक्ति अगर ग्रीन विद इन भी है तो इसका मतलब है कि वो वेरी जेलसी है, बहुत ईर्ष्यालु है। जैसे आप ये वाक्य देखिए, इस वाक्य से आप बेहतर ग्रीन विद इन भी को समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, करे क्या, he was green with envy, वो बहुत ही ईर्ष्यालु हो गया। when I got the job, जब मुझे नौकरी मिल गया तो मेरे नौकरी की बात सुन करके, मेरे नौकरी को देखते हुए काफी कोई ईर्ष्यालु हो गया। इसी से एक और इडियम्स बना है, बहुत जबरदस्त इडियम है, ठीक है ना। वो क्या है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, वो है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है ना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर कौन होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति को कहेंगे ग्रीन आइड मॉन्स्टर। उसका जो आंख है वो लगेगा कि हरा हरा है, वो ईर्ष्या का द्योतक है। जो ग्रीन है ना, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि जो ग्रीन है वो ट्रेडिशनली वो ईर्ष्या को दिखलाता है, ठीक है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो बच्चों हम लोग यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे ये ग्रीन से रिलेटेड ये दो हमारे इडियम्स रहे। देखिए हमारा एक अगला जो इडियम है वो है व्हाइट। व्हाइट से हम लोग आगे चलते हैं, व्हाइटर, व्हाइटर देन व्हाइट। अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं, व्हाइट से व्हाइटर देन व्हाइट, ठीक है ना। देखिए अगर कोई व्यक्ति यदि व्हाइटर देन व्हाइट है तो वो पूरी तरह से ईमानदार है, वो पूरी तरह से ईमानदार है। व्हाइटर देन व्हाइट का मतलब अब ये नहीं कहेंगे कि उजला से ज्यादा और उजला। देखिए ये तो अलग अलग अर्थ हो गए ना, लेकिन इडियम्स क्या कहता है, कंबाइंड अर्थ। इडियम्स कहता है कि कंबाइंड में देखो, अलग अलग नहीं देखो, मुझको तुम कंबाइंड में देखो, इसका एक अलग अर्थ निकलेगा। ऐसे अगर अलग अलग अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब होगा सफेद से और ज्यादा सफेद। ये क्या होता है भाई, सफेद से और ज्यादा सफेद। व्हाइटर देन व्हाइट का मतलब होता है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति है। तो हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कंप्लीटली कंप्लीटली ऑनेस्ट। पूरी तरह से ईमानदार। आप इस सेंटेंस को देखिए, आपको बेहतर ये व्हाइटर देन व्हाइट आपको समझ में आएगा। चलिए, ही
क्लेम्स टू बी वाइटर देन व्हाइट, ही ऑफन क्लेम्स टू बी वाइटर देन व्हाइट, इसका हिंदी क्या निकलेगा? वो अक्सर इस बात का दावा करता है कि वो पूरी तरह ईमानदार है। अब ईमानदार या बेईमान एक अलग मैटर है, लेकिन वो दावा किस चीज का करता है कि ही इज वाइटर देन व्हाइट, कि वो पूरी तरह से ईमानदार है। व्हाइट के हम लोग अगले इडियम को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है व्हाइट लाई। देखिए व्हाइट लाई कैसा लाई होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सफेद झूठ, जिसका हिंदी जो होता है वो सफेद झूठ। देखिए सफेद झूठ वैसा झूठ होता है जिसको बोलने से ना किसी को नुकसान नहीं होता है, और ये जो झूठ होता है ना नैतिक तौर पर गलत नहीं होता है। कभी कभी झूठ होता है ना हार्मलेस होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, या बहुत ही माइनर झूठ होता है, ठीक है ना, जो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नैतिक दृष्टि से भी ना वो झूठ गलत झूठ नहीं होता है, मतलब उसे बोला जा सकता है किसी खास सिचुएशन में, तो वो होता है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई को हम अगर एक्सप्लेनेशन अगर इंग्लिश में करें तो कैसे कहेंगे, ए हार्मलेस लाई, एक वैसा झूठ जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। देखिए अब एक सिचुएशन कैसा है ना कि एक सिचुएशन है, हम लोग उसको अज्यूम करते हैं, एक व्यक्ति है वो मेरा दोस्त है, और एक समय आ गया कि या तो झूठ बोलो या तो अपना दोस्त खो दो। अगर दोस्त खोना नहीं चाहते तो तुमको झूठ बोलना होगा, लेकिन सिचुएशन ऐसा भी कि वो झूठ जो होगा वो गंभीर झूठ नहीं होगा, ठीक है ना, वो गंभीर झूठ नहीं होगा। इस चीज को कैसे लिखा जाए, चलिए क्या कह रहा है ये वाक्य, क्या कह रहा है, इट इज बेटर टू टेल ए व्हाइट लाई, एक झूठ बोलना, और कैसा झूठ बोलना, हार्मलेस झूठ बोलना ज्यादा अच्छा है एक दोस्त खोने से, ठीक है। तो ये व्हाइट से संबंधित ये बहुत अच्छा इडियम है व्हाइट लाई। हम इससे भी एक अच्छा इडियम देखते हैं व्हाइट नाइट, ये व्हाइट से रिलेटेड इससे भी एक बेहतर इडियम है व्हाइट नाइट। ठीक है, व्हाइट नाइट क्या होता है, पहले आप इसको समझिए, व्हाइट नाइट क्या होता है। नाइट का मतलब ऐसा योद्धा होता है, और व्हाइट मतलब सफेद, तो सफेद योद्धा, तो कोई ऐसा योद्धा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा योद्धा होगा जो सफेद योद्धा होगा। यह व्हाइट नाइट एक इडियम है, और इडियम का हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कंबाइंड अर्थ देते हैं, अलग अलग शब्दों को हम लोग लेके नहीं चलते हैं, ये एक कंबाइंड अर्थ देते हैं। देखिए व्हाइट नाइट क्या होता है, एक ऐसा संस्था होता है, ठीक है, या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी को बिकने से बचा लेता है। मान के चलिए कि कोई उद्योगपति है, उसका भाई भी कोई उद्योगपति है, लेकिन जो एक भाई है वो काफी घाटे में जा रहा है, हो सकता है उसका कंपनी बिक जाए, वो इस अवस्था में पहुंच गया है, तो जो दूसरा भाई जो एक बड़ा और सफल उद्योगपति है वो अपने छोटे भाई के कंपनी को क्या करेगा, बचा लेगा, क्योंकि वहां मामला पारिवारिक मामला है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो कंपनी बिकने से बच जाएगा। तो जो बड़ा भाई किसका भूमिका निभाया, बड़ा भाई व्हाइट नाइट का भूमिका निभाया। यदि दो भाई में एक भाई जो है वो थोड़ा सा डेप्ट में चल रहा है, ऋण में चल रहा है, सेकंड भाई क्या करेगा, बड़ा भाई उसका उसके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके कंपनी को बचा लेगा बिके जाने से। तो इसका मतलब क्या हो कि बड़ा भाई किसका भूमिका निभाया, व्हाइट नाइट का, ठीक है ना। तो व्हाइट नाइट को हम कैसे लिखेंगे, हिंदी में अगर लिखना है तो ये थोड़ा सा इसका जो है बड़ा एक्सप्लेनेशन है, आपको इसी तरह से समझना होगा, ठीक है। तो ये व्हाइट नाइट वाली बात हो गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखेंगे व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, सफेद हाथी।
देखिए सफेद हाथी ये जो कहानी है ना, ये जो इडियम है ना, सॉरी ये जो इडियम है ना, ये थाईलैंड के कहानी से जुड़ा हुआ है। वहां के जो पहले राजा थे थाईलैंड, थाईलैंड सफेद हाथी जो होता है ना, सफेद हाथी थाईलैंड में ही पाया जाता है। दुनिया में एकमात्र थाईलैंड ही ऐसा देश है जहां पर सफेद हाथी देखने को मिलते हैं, वो भी रेयरली, ठीक है ना। तो व्हाइट एलिफेंट क्या होते हैं कि पहले ऐसा था, कहानी ये है कि पहले थाईलैंड में राजा जिस व्यक्ति को ना पसंद करते थे ना, तो उनको वो श्वेत हाथी उपहार के तौर पर देते थे, और उस व्यक्ति का अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस हाथी पर खर्च करना पड़ता था। मतलब अगर किसी को पनिशमेंट देना है, आप उसको हाथी दे दो और कहो कि इस हाथी को मेंटेन करो। अब उस व्यक्ति के पास भाई कोई चारा नहीं है बचने का, अब वो जो कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा तो हाथी खा जाएगा। तो व्हाइट एलिफेंट क्या होगा? अब अंग्रेजी में व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब है कि एक महंगा लेकिन बेकार का चीज, एक महंगा लेकिन बेकार का चीज। यदि कोई चीज है महंगा है लेकिन बेकार का चीज है तो वो क्या है? वो व्हाइट एलिफेंट है। अब एक साधारण सा व्यक्ति कार तो खरीद लिया, अब कार तो पेट्रोल खाता है, कार मेंटेनेंस खोजता है, यही कार उसके लिए क्या साबित होता है? व्हाइट एलिफेंट साबित होता है। शुरू में तो उसको कार किसी तरह से मिल गया, दहेज में ही कार उसको मिल गया, कार मांगा कार मिल गया, अब कार का मेंटेनेंस उसके लिए क्या साबित होगा? एक व्हाइट एलिफेंट साबित होगा। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है चलिए एन एक्सपेंसिव बट वर्थलेस थिंग, एक महंगा लेकिन बेकार का वस्तु, एक वस्तु महंगा है लेकिन बेकार का वस्तु है। तो ये हमारा जो होगा एन एक्सपेंसिव बट वर्थलेस थिंग, ठीक है ना। हम इसको कह सकते हैं सफेद हाथी, लेकिन इसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो बेकार की वस्तु, बेकार का सामान, ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब हुआ। तो बच्चों आज के हमारे जो इडियम जो सेशन थे वो इतना ही रहेंगे, आगे की वीडियोस हमारे जारी रहेंगे तरह तरह के इडियम्स पर। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, आप इसे लाइक करें, सही फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।